आज मैं बना रही हूँ चीज़ रोल्स जो बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाएंगे, बहुत यमी चीज़ रोल्स बनते हैं। तो इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी हर वीडियो देखने के लिए। इस रेसिपी के लिए हमें मेन पोटैटोज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के पोटैटोज़ को बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। और अब मैं इसमें सब्ज़ियाँ डालूंगी जिसमें मटर और स्वीट कॉर्न हैं, दोनों को बॉईल करके वाटर रिमूव करके इसमें डाला है। साथ में ग्रेटेड कैरेट है जिसमें से मैंने सारा वाटर स्क्वीज़ कर दिया था। और इसी के अंदर मैं बीन्स डाल रही हूँ। और आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी और सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गोभी को ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लें। और फिर बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डालूंगी चावल का आटा। सो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा डालने की वजह से इसमें जो भी मॉइस्चर है वो सारा चावल का जो आटा डाला है वो अब्सॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाएगा और बाइंडिंग भी अच्छी होगी। चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लावर या मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके डो बना लेंगे। अपने हाथों से या स्पैचुला की मदद से आप इसका डो बना लें। तो ये मेरा डो बनके हो गया है तैयार। अब एक साइड पे मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। अब अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ ले लें और अपने हाथों पे ऑयल लगा के थोड़ा सा पोर्शन लेंगे डो का, जो पोटैटो वाली फिलिंग हमने बनाई थी। और इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और फिर इसके अंदर हम चीज़ फिल कर देंगे। चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ डाल देंगे तो वो ऑयल में फ्राई करते समय बाहर आ जाएगा। सो इसे थोड़ा सा चीज़ इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको साइड्स को इस तरह से इकट्ठी करके इसको रोल का शेप दे देंगे। आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं रोल्स बना रही हूँ तो मैंने रोल की शेप दूंगी। इस तरह से सारे रोल्स हम बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई करें इसको। इस तरह से सारे रोल्स मैं बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे रोल्स इसी तरह से बना लिए हैं। और इसके साइड पे मैं कोटिंग कर रही हूँ मैदे की। सो मैंने पानी के अंदर 2 चम्मच मैदा डाला है और उसमें नमक मिर्च डाल के इसकी स्लरी बनाई है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़े क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल में खुलेंगे नहीं। तो ये हमारे रोल्स हो गए हैं तैयार। तो अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी गरम तेल के अंदर। इनको इसी तरह से बना के फ्रिज में भी रखा जा सकता है। तो अब मैं इनको एकदम गरम तेल के अंदर फ्राई कर ली हूँ। सारे पीसेस के अंदर डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और साइड से क्रिस्पी नहीं हो जाते। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी सारी वीडियोज़ देखने के लिए। इन्हें फ्राई होने में जस्ट 5 से 6 मिनट्स लगेंगे और बहुत ही यमी चीज़ रोल्स बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए सारे अभी फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको रिमूव करके नैपकिन पेपर के ऊपर रख लूँगी और फिर इनको सर्व करेंगे। चीज़ अंदर से एकदम मेल्ट हो गया है, तो मैं इसे सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ। ये देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी चीज़ रोल्स बने हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही यमी क्रीमी एकदम बनता है ये। तो ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारी रेसिपीज़ देखने के लिए।